और आज मैं आप लोगों को यलगार की मिक्सिंग से ही किक को हार्ड कैसे बनाएं और किक को सॉलिड कैसे बनाएं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों के सामने मेरा प्रोजेक्ट यलगार 1 खुलकर आ चुका है। और अब आइए पहले थोड़ा सा ये सॉन्ग सुन लेते हैं। आप लोगों ने सुना, इसकी थोड़ी सी झलक मैंने आप लोगों को सुनाया। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम अपने किक को शुरू करते हैं। ये हमने किक को सोलो किया, थोड़ा सा मैक्सिमाइज किया और अब हम अपने किक को प्ले करते हैं। तो दोस्तों आपने सुना ये किक में कितना क्रिस्टल क्लैरिटी और पंची साउंड कर रहा है, मतलब आप कह सकते हैं कि ये जो हमारा किक है एकदम टाइट है। बट दोस्तों एक्चुअल में ये किक ऐसा था नहीं, इसको हमने ऐसा बनाया है। तो चलिए जानते हैं कि इसके बनाने के पीछे क्या ट्रिक्स हैं। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले के अपने ट्यूटोरियल्स में, पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि किक में केवल थोड़ा सा EQ अप्लाई किया जाता है। बट दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा EQ अप्लाई करते समय किन किन बातों का हमको ध्यान रखना है और कितना EQ हमको अप्लाई करना है। तो दोस्तों जैसा कि ये आप लोग अपने सामने देख रहे हैं, ये मेरा EQ विंडो खुलकर आ गया है। इसको हम पैरामेट्रिक EQ2 इफेक्ट बोलते हैं, जो कि मैंने अपने किक में लगाया है। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं आपके सामने ये EQ खुलकर आ गया है और आप लोग देख सकते हैं कि ये केवल मैंने 7th और 1st ये दोनों नॉब को मैंने छेड़ा है और मैंने कहीं से कुछ नहीं किया है। अब मैं इस चीज़ को सोलो करता हूँ, इस चीज़ को म्यूट करता हूँ और अभी अब आप लोगों को सामने किक को मैं सुनाता हूँ। और अब EQ के साथ देखिए, बंद तो आपने देखा कितनी मेजर चेंजेस हो रहे हैं। तो आइए जानते हैं इसको बनाने के पीछे की ट्रिक्स। तो दोस्तों सबसे पहले मैं अपना फ्रूटी पैरामीट्रिक EQ2 को म्यूट कर देता हूं और मैं यहां से एक नया फ्रूटी पैरामीट्रिक EQ2 ले लेता हूँ। ये हमने ले लिया, इसको हमने बंद कर दिया। तो अब हम अपने सबसे पहले किक के सैंपल्स पे आ गए। तो दोस्तों ये जो हमने किक लिया है, इसमें हमने इसका वॉल्यूम नॉब फुल कर दिया है और यहाँ से जो लेवल एडजस्टमेंट होता है वहाँ भी हमने थोड़ा सा वॉल्यूम को बढ़ाया है ताकि हमारा जो किक एकदम हार्ड बन सके। तो आप देख सकते हैं इसके अलावा मैंने यहाँ पे कहीं से कोई भी चेंजेस नहीं की है, बस ये हमने थोड़े से वॉल्यूम नॉब को मैंने ट्विक किया है। आप कह सकते हैं कि मैंने थोड़ा सा वॉल्यूम नॉब जो है इसका मैंने 2.5 dB इसको मैंने बढ़ाया है बस यहाँ से। और हमने इसके वॉल्यूम को पूरा फुल कर दिया है या हम इसको कट कर देते हैं। तो मिक्सर ट्रैक में आते हैं, 5 नंबर में मैंने इसको ऐड किया है। ये जो हमने अपना पहला इफेक्ट लगाया था इसको हमने म्यूट कर दिया है। अब हम नया EQ को अप्लाई कर रहे हैं। तो अब हम सबसे पहले अपने किक को सोलो कर लेते हैं और अब हम इसको प्ले करते हैं। अब आप देखिएगा मैं इसमें क्या कैसे करता हूं। चेंजेस आ रही है दोस्तों, राइट? और अब आप देख सकते हैं मैंने अपने पहले वाले में 61% किया था, हाई फ्रिक्वेंसी को मैंने 61% किया था और अपने सेकेंड वाले में मैं 61% किया हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग भी 61% पे ही रखें, मुझे इतने में अच्छा लग रहा है, मुझे इतने में क्रंची साउंड कर रहा है, किक का साउंड क्रंची आ रहा है, तो मैंने इसको इतने पे ही छोड़ा है। आप थोड़ा सा इसके साथ और ट्विक कर सकते हैं। देखिए इसके आगे कुछ और करते हैं।
बहुत ज्यादा आप लोगों को लेफ्ट नहीं ले जाना है, अदरवाइज जो किक का जो साउंड होता है वो खराब हो जाएगा। ये 5 और 6 के बीच में ही रखना है इसको। अभी आप देख सकते हैं किक का साउंड एकदम चेंज हो गया, इसमें एक क्रंचीनेस आ गया। लेकिन अभी दोस्तों हमारे किक में कुछ कमी है। इसमें जो एक सब बेस होता है जो बूम बूम की आवाज़ करती है, उसको अगर आप ध्यान से सुनेंगे, अगर आप अपने बूफर वगैरह में लगाएंगे तो आप लोगों को सुनने में थोड़ा सा उसमें बेस ज़्यादा लगेगा। हाँ, तो आपको वो मड़ी सुनाई देगा, इसलिए हमको उसको थोड़ा सा क्लीन करना है। इसके थोड़े से सब बेस को नहीं, सब बेस को हमको थोड़ा सा कट करना है। तो उसके लिए हम एक नंबर पे जाते हैं जो हमारा लो फ्रिक्वेंसी है। तो इसकी लो फ्रिक्वेंसी को हमको थोड़ा सा कट करना है, ज़्यादा नहीं, सुन के हमको उसको अप्लाई करना है। राइट, अब आप लोगों ने देखा। अब आप एक बार अपने इस इफेक्ट को बंद करके फिर से सुनिए। अभी आप लोगों ने देखा कितना डिफरेंस आ गया है हमारे किक के अंदर। दोस्तों आप में से बहुत से लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछे हैं कि टाइट किक को बनाने के लिए, पंची किक को बनाने के लिए हम कौन कौन से इफ़ेक्ट्स लगाएं, कौन कौन से ट्रिक्स ऐसे हैं जो आप हमें बताइए। तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों से बोलना चाहूँगा कि कुछ भी आपको नहीं करना है, केवल आपको पैरामेट्रिक EQ2 को अपने मिक्सर ट्रैक में डालना है और बस आपको हाई फ्रिक्वेंसी को बूस्ट करना है और लो फ्रिक्वेंसी को थोड़ा सा कट करना है। जो भी आपको करना है, सुन के सारी चीज़ों को अप्लाई करना है। दोस्तों आप लोगों ने बहुत से इंटरनेट पे ऐसे लोगों को कहते सुना होगा कि हमारे पास हार्ड किक के सैंपल्स उपलब्ध हैं, हाँ, और वो आप लोगों से पैसे की भी डिमांड करते हैं कि आप कुछ पैसे लगा दीजिए, वो आपको हार्ड किक बना बनाया दे देंगे। तो दोस्तों आपको उनको पैसे पेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी किक को हार्ड बना सकते हैं केवल इस ट्रिक को अप्लाई करके, जो मैं ट्रिक आप लोगों के सामने यहाँ पे रखा। केवल आपको हाई फ्रिक्वेंसी को थोड़ा सा बूस्ट करना है, जैसा कि मैंने 61% पे किया है, 5 और 6 के अंदर ही रहेगा, इससे आपको इधर नहीं लेके जाना है। तो और आपको लो फ्रिक्वेंसी को थोड़ा सा कट करना है। फिर से मैं आप लोगों को बताता हूँ, हाई फ्रिक्वेंसी को थोड़ा सा बूस्ट करना है और लो फ्रिक्वेंसी को थोड़ा सा कट करना है। ये भी देखिए मैंने 61% पे ही इसको कट किया है और हाई फ्रिक्वेंसी को भी मैंने 61% पे ही बूस्ट किया है। बस इसके अलावा मैंने कहीं कुछ अप्लाई अपने किक में नहीं किया है। हाँ, किक के साउंड को आपको फुल कर लेना है और इसके बाद यहाँ पे EQ2 को डाल के मिक्सर ट्रैक में अप्लाई करना है, बस दैट्स इट, आपका काम क्लियर हो गया। किसी भी किक को, मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ, किसी भी किक को आप इस ट्रिक से अपने किक को हार्ड, सॉलिड, पंची और एक टाइटनेस साउंड के साथ अपने किक को बना सकते हैं। बस यही सिंपल सा ट्रिक है और कोई ट्रिक नहीं है दोस्तों। अब आप लोग अपने किक की साउंड को, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अपने किक के साउंड को आप लोग अपने ओवरऑल ट्रैक का जो वॉल्यूम है उसके हिसाब से अप एंड डाउन आप कर सकते हैं। जैसा कि मैंने सबसे पहले इसको मैंने फुल कर दिया है। अगर गाने को मिक्सिंग करते समय अगर हमें लग रहा है कि हमारी किक दब रही है, हमारी किक जो बाकी के एलिमेंट्स हमने यूज किए हैं उसके आगे थोड़ी सी डाउन पड़ रही है, तो यहाँ पे आप जो लेवल एडजस्टमेंट का नॉब है इसको आपको थोड़ा सा बढ़ाना है और आपको सुन के बढ़ाना है। अगर आपकी किक फटने लग रही है तो फिर आपको उसको कम करना है। जहाँ पे आपकी किक फटे ना, जहाँ पे आपकी किक की क्वालिटी बनी रहे, क्लैरिटी बनी रहे, वहाँ तक आपको अपने किक को रखना है। इसके बाद आपको अपने किक पे कुछ करना नहीं है। और अब चलते हैं ओवरऑल पूरे ट्रैक को एक बार हम जगह जगह से सुनते हैं और अपने किक की क्वालिटी को फिर से एक बार देखते हैं कि कहीं हमारी किक की क्वालिटी कहीं डाउन तो नहीं पड़ रही है, जैसा कि मैंने आप लोगों के सामने अभी अभी लाइव डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया है। एक भी हिंदू के हाथ नीचे नहीं रहने चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
हाँ तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कहीं से भी हमारे किक की क्लैरिटी दब नहीं रही है, पर आप फिर से सुनिए। अब अभी आप लोगों ने देखा दोस्तों कि हमारा जो किक का बैलेंस है, साउंड का जो किक का बैलेंस है वो बाकी के साथ एकदम मैच कर रहा है। कहीं से भी कोई भी 19-20 का अंतर मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों। अगर आप लोगों को लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे दोस्तों एकदम सब बंद के समझ में आ रहा है दोस्तों। मजा उसी में आता है कि अगर आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी एलिमेंट्स आपने अप्लाई किया है अपने रिमिक्स में, वो सारी चीज़ें नपी तुली हो। अगर कोई भी चीज़ें एक हमारा जो दायरा उसके बाहर जाता है दोस्तों, तो फिर वो मजा नहीं देगा। इसलिए आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि कुछ भी एलिमेंट्स अगर आप लगाएं तो कोई भी एलिमेंट्स आपका, आपने जो एक लेवल सेट किया है उसके बाहर ना जाए, क्योंकि अगर उसके बाहर जाएगा दोस्तों तो फिर वो गंदा इंपैक्ट करेगा। और अभी आप देख रहे हैं कि हमारा जो किक है और हमारा जो किक के साथ जो भी बेस लाइन, जो भी लीड्स, जो भी सीक्वेंस हमने यूज किए हैं वो सारी चीज़ों को मैच कर रहा है। फिर से आप एक बार देखिए। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप इसको, ये जो लो फ्रीक्वेंसी को जो मैंने कट किया है, अगर आप इसको कट नहीं करेंगे तो फिर अब आप ये समझ लीजिए दोस्तों कि आप जो अपने किक को अपने मिक्स के साथ जब आप चलाएंगे तो आप लोग को वो क्लैरिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके किक के पास जो एक सब बेस है वो डिस्टर्ब करेगा। और हमारा जो एक दौर चलता है, हम लोग जिस तरह से रिमिक्स करते हैं उसमें हमको अपने किक को एकदम टाइट रखना रहता है। तो उसके लिए दोस्तों आप लोग अगर आप यही करेंगे कि आप अपने हाई फ्रीक्वेंसी को और ऊपर ले जाएंगे और ऊपर ले जाएंगे, तो दोस्तों इसके अंदर का एक जो बूमनेस है वो ख़त्म हो जाएगा और शार्प हो जाएगा, वो कानों को चुभेगा, तीखा हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है, इसके लिए ही हम यहाँ पर अपनी लो फ्रिक्वेंसी को थोड़ा सा कट करेंगे, और ये ज़रूरी है कट करना। अगर आप नहीं कट करेंगे तो आप देख लीजिए ये आप किस तरीके से सुनाई देगा। मैं इसको सबसे पहले रीसेट कर दे रहा हूँ, अभी आप देखिए। अब अभी आपने देखा है किस तरीके से साउंड कर रहा है, इसके अंदर का एक जो बूमनेस है वो मुझे ज़्यादा समझ भी आ रहा है। इसके लिए मैं यहाँ पे ये जो हमारा लो फ्रीक्वेंसी है मैं इसको कट करूँगा। अब आप लोग इस पे फर्क समझिएगा। अब अभी आप लोगों ने देखा, बहुत क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा कि लो फ्रिक्वेंसी को कट करने का क्या मतलब होता है, किस लिए मैंने इसको कट किया। तो दोस्तों अब आपको इसी ट्रिक को अप्लाई करना है, और आपको कुछ नहीं करना है, किसी को भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी किक को, कोई सा भी किक हो, आप इस ट्रिक की मदद से, इस तरीके को इस्तेमाल करके अपने किक को एकदम टाइट बना सकते हैं और ज़बरदस्त साउंड करेगा
आप, मैं ये दावे के साथ बोल रहा हूँ, और कोई भी चीज आपको अप्लाई नहीं करना है। हाँ, तो दोस्तों आज का ये जो हमारा टॉपिक था अपने किक को टाइट बनाने का, यहीं पर समाप्त होता है। और रही बात दोस्तों हमारे इस प्रोजेक्ट फाइल की, तो सॉरी मैं आप लोगों को ये प्रोजेक्ट फाइल अभी नहीं दे सकता, लेकिन इन फ्यूचर मैं आप लोगों को ये प्रोजेक्ट जरूर प्रोवाइड करूंगा। और दोस्तों ये जो भी चीजें अभी आप इसमें देख रहे हैं, इन सभी के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा और सब बताऊंगा कि आपको किस तरीके से बनाना है, कैसे अप्लाई करना है। बट आज मैं नहीं बता सकता क्योंकि आज का हमारा जो वीडियो था वो किक के ऊपर था। तो आज मैं आप लोगों को किक के ऊपर जितनी भी जानकारी देनी थी मैंने दे दी, और इससे आगे जो भी वीडियो रहेगी मैं आप लोगों के सामने, इसमें जो भी चीजें मैंने अप्लाई की है मैं आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ लेके जरूर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।